गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं विजय कुमार, लेक्चरर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहटली, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। तो आपका इस वर्चुअल सेशन में हार्टिएस्ट वेलकम। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि हमारे कांगड़ा के बच्चे जो है वो जिला सिरमौर के बच्चों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। तो आईसीटी का यही फायदा होता है बच्चों कि हम अपनी अपनी जगह पर बैठकर भी एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं और एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं। तो अब मैं दिलीप सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात रखें। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे बच्चों के लिए अपना कीमती समय दिया। और मैं अपने बच्चों को बताना चाहूंगा कि सर एक बहुत बड़े एक प्रोमिनेंट फिगर हैं सर, जो है यूएसए के स्कूलों में भी इन्होंने विजिट किया हुआ है और इनका एक बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। एक अपने एजुकेशन के फील्ड में बहुत ज्यादा इनका जो है कंट्रीब्यूशन है। तो बोलते हैं कि टीचर इज ऑलवेज लर्नर, टीचर हमेशा जो है सीखना चाहता है, हर जगह टीचर जो है लर्नर है। और मैं सर का अपने जो है बिल्कुल दिल की गहराइयों से स्वागत करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कांगड़ा के बच्चों का भी बहुत इनका बच्चों को अपनी बेस्ट विशेस देता हूँ कि ऐसे ऐसे सर जो कि विजय सर जैसे जो कि जो एक यूनिक पर्सनालिटी है उनसे सीखने का आपको अवसर मिल रहा है। और हमारे बच्चों के लिए तो स्पेशली एक सौभाग्य की बात है कि ऐसे इस जो इंटरेक्शन सेशन में हम लोग आपसे जुड़ने का सौभाग्य। थैंक यू वेरी मच सर, और निस्संदेह हमारे लिए भी बहुत सौभाग्य है। और मुझे लगता है कि जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं उनको भी ये बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने ही प्रदेश के बच्चों के साथ हम इंटरेक्ट हो रहे हैं। तो चलिए आज का हम ये जो कार्यक्रम शुरू करते हैं जिसमें हम एक दूसरे के बारे में जिला कांगड़ा और जिला सिरमौर की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसके बारे में आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। तो मैं इसके लिए सबसे पहले अपने स्कूल की छात्रा अवंतिका को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आपके बच्चों से प्रश्न पूछेंगी। अवंतिका ठीक है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज अवंतिका, आई एम स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास एंड माय क्वेश्चन इज वाई इज परमार हिमाचल निर्माता है, वह सिरमौर के ही रहने वाले हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ और वो आपसे कितनी दूर में रहते हैं? Good afternoon everyone. My name is Arusha Agur and I inform you that जो बागटन जो हमारे सिरमौर में बागटन क्षेत्र है उसके नजदीक चनालक नामक क्षेत्र में उनका जन्म हुआ था और वो हमारे विद्यालय से 25 किलोमीटर दूरी पर है। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत अच्छे। और इस बेटी ने बड़े अच्छे ढंग से जवाब दिया, बहुत अच्छे सर। नेक्स्ट, दिस इज योर टर्न। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब ये ताली ताली लगाते सर, अब This is the best way how we can interact with the culture of other peoples. और हमारा सिरमौर और कांगड़ा का जो कल्चर है उसमें एक दूसरे से सीखने का बहुत अच्छा मौका मिल रहा है कोलैबोरेशन इस जो सेशन के अकॉर्डिंग। तो हम अपनी तरफ से क्वेश्चन, मेरा निवेदन रहेगा सर से, विजय सर से, कि हमारे बच्चे अगला ये क्वेश्चन पूछेंगे आपके बच्चों से। तो ये आरुषि को मैं बुलाना चाहूंगा। आरुषि, my first question is that as we all know that Kangra is the largest district according to population wise,
So I want to know that which type of vocational education is being provided in your school. Very good question. Yes, sir. ताली लगती चले बच्चों को कहाँ पर अपना भी करेंगे एक्नॉलेज कर लिए. Good afternoon, everyone. My name is Divyanshu. I read in 11th standard. There are two type of vocational subjects available in our school. They are agriculture and automobile. Okay. Thank you. ताली लगा दो. और क्योंकि मैं बीच में बताना चाहूंगा बच्चों दोनों साइड के कि जो वोकेशनल एजुकेशन है जो हमारा तीन डोमेन्स है सीखने के लिए कॉग्निटिव एफेक्टिव और साइकोमोटर. तो जो हमारा साइकोमोटर डोमेन्स जो है जिसमें कि हमारा माइंड और हाथ की कॉम्बिनेशन होती है तो ये वोकेशनल एजुकेशन एक बहुत बढ़िया एक दिस इज द बेस्ट वे हाउ वी कैन इम्पार्ट द स्किल एजुकेशन टू द स्टूडेंट. एज फार एज Our school is concerned, I think that there are two trades, telecommunication is one of them and the second one is retail. So, बहुत अच्छा आपका जवाब रहा question. Thank you very much, sir. अब आप question, मेरा निवेदन रहेगा कि विजय सर से कि आप अपने बच्चों को बोलें कि question अगला पूछें. विजय सर, please. Thank you, sir. Thank you, sir. Question. Good afternoon to all of you. My name is Parvanshika. I am studying class 11. My question is, Sirmaur mein kaun kaun se prasidh sthan hai? Hello everyone. My name is Sakshi Sharma. और जहां तक आपने प्रश्न पूछा है कि हमारे सिरमौर में कौन कौन सी प्रसिद्ध स्थान है तो वो है माता रेणुका का मंदिर, भूषिंग महादेव, श्रृंग ऋषि की गुफा और हरिपुर धार, जो कि हमारे क्षेत्र की संस्कृति को और उसको विख्यात करते हैं और उसकी विशेषता को जताते हैं. धन्यवाद. और थैंक यू सर. और मैं बीच में थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूंगा जो हमारे पास जो बेटी जो साक्षी लड़की है प्लस टू की तो विजय सर मैं बताना चाहूंगा कि शी हैज आल्सो पार्टिसिपेटेड इन उमंग प्रोग्राम इन दूरदर्शन शिमला. अभी इसने उमंग प्रोग्राम में दो बच्चे हमारे टीवी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था जो जिसने अभी जवाब दिया तो उसने उमंग प्रोग्राम दूरदर्शन से होके आई तो एक मतलब बहुत अच्छा माध्यम है कि हाउ वी कैन रिलीज द लेटेंट एंड अनस्प्राउटेड टैलेंट ऑफ यंग गर्ल. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था सर. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत धन्यवाद. मैं बधाई देना चाहता हूँ साक्षी को. और दूसरी लड़की का क्या नाम बताया आपने? दूसरा सेवंथ का बच्चा था सर आयुष. ओके, तो मैं अपने बच्चों को बोला कि साक्षी के लिए जोरदार तालियां. थैंक यू सर. थैंक यू. बहुत बढ़िया हमारे बच्चों को एनकरेज करने के लिए. और मैं अब अगला जो पार्टिसिपेंट है उनको मैं बुलाऊंगा जो अदिति. अदिति आप मंच यहाँ मंच पे आए और इनसे अपना क्वेश्चन पूछे. अदिति. गुड आफ्टरनून एवरीवन. माय नेम इज अदिति शर्मा और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्षेत्र के हिसाब से हर जगह का अलग अलग खान पान होता है एवं अलग अलग मौकों पर त्योहारों में क्या क्या पकवान बनाए जाते हैं. हमारे सिरमौर में डने, अस्कली, कांजन आदि पकवान बनाए जाते हैं. आपके जिला कांगड़ा में कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं? थैंक यू बेटा. बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है क्योंकि हमारा जो आज का मकसद है यही है कि हम जो कल्चर एक्सचेंज जो है उसके बारे में बात कर सकें. तो ये हमारी तरफ से अवंती का इस क्वेश्चन का आंसर देंगी. जैसे कि आपने प्रश्न पूछा कि हमारे कांगड़ा में कौन कौन से व्यंजन बनाए जाते हैं. हमारे कांगड़ा में बहुत से व्यंजन बनाए जाते हैं जैसे राजमा चावल, दाल, मटर पनीर, मदरा. और फिलहाल तो अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो फिर इस अवसर पर हम आलू पूरी, हलवा पूरी आदि बनाते हैं. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बढ़िया क्योंकि आवाज जो है बहुत बढ़िया आपकी ऑडिबल है और इस तरीके से हम अपने कल्चर को
क्योंकि कल्चर की डेफिनेशन में कई चीजें आती है। हमारा जो कल्चर है, हिमाचल की संस्कृति बहुत बड़ी विख्यात संस्कृति है, तो हम ये बताना चाहेंगे कि इस तरीके से हम इस इंटरेक्शन के माध्यम से हम एक दूसरे के कल्चर को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा विजय सर से कि प्लीज आपके बच्चे जो है हमारे बच्चे बच्चों से अगला क्वेश्चन पूछें। प्लीज सर, विजय सर। अभी तनु शर्मा ये प्रश्न पूछेंगे। गुड आफ्टरनून, माय नेम इज अनु शर्मा। मेरा प्रश्न ये है, सिरमौर में कौन कौन से मुख्य त्योहार हैं? ओके बेटा, ओके, बहुत ताली लगा दो, बिल्कुल आवाज क्लियर, आवाज ऑडिबल है। अब मेरा जो हमारी क्लास की मॉनिटर है अंबिका शर्मा मंच पे आए और इनका क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आप प्रयास करें। अंबिका, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि आपने अभी हमसे क्वेश्चन पूछा कि हमारे यहाँ कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, वैसे तो हमारे यहाँ सभी त्योहार बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं, पर विशेष तौर पर दिवाली, दशहरा, भैया दूज, होली, रक्षाबंधन, ऐसे बहुत से त्योहार बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं। थैंक यू। तो जिस प्रकार के आपने ये त्योहार कहे हैं, ऑलमोस्ट वो सारी हमारे भी ऐसे ही त्योहार मनाए जाते हैं। आजकल नवरात्रि चले हुए हैं, रामलीलाओं का दौर है, और उसके बाद दशहरा आएगा और फिर दीपावली, और इसके अलावा जो, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो पंजाब के साथ लगता है बच्चों, और पंजाब में जो बैसाखी का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, तो जिला कांगड़ा में भी बैसाखी का त्यौहार बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। लोहड़ी का त्यौहार भी बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें पुराने समय में तो बच्चे या घर घर जाते थे लोहड़ी मांगने के लिए, अब तो ये थोड़ा सा चेंज हो गया है चीजें। तो हमारी तरफ से मिस्टर लक्ष्य ये आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। गुड आफ्टरनून टू ऑल। आपके स्कूल कहाँ स्थित है, स्कूल की समय सारणी क्या है? यस, हाँ, ये आवाज सुनाई दी बच्चों सबको? ये पूछ रहे हैं कि स्कूल का टाइमिंग क्या है, तो ये आरुष साक्षी आएंगे और आपको बताएंगे प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि हमारा विद्यालय जिला सिरमौर में एक वासनिक क्षेत्र में है। हमारा विद्यालय बहुत ही शांत वातावरण में स्थित है और यहाँ पर चारों हरियाली है, जिस कारण यह स्थल बहुत ही मनोरम है। धन्यवाद। टाइम, स्कूल टाइमिंग, और स्कूल टाइमिंग हमारी 10 से 4 है, और इससे इसके पश्चात भी हमारे इससे पहले हमारे अंग्रेजी के प्रवक्ता श्रीदीप सिंह वर्मा हमारी एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं 9 से 10। ओके, बहुत बहुत बधाई हो आप बच्चों को। थैंक यू। आया, एक तो जैसे मुझे पता चला है कि आपकी जो समय सारणी है वो 10 से 4 है, और हमारे यहाँ पे क्योंकि ये समर वेकेशंस है यहाँ पे, तो हमारी जो समय सारणी स्कूल की वो 9 से 3 है। और बड़ा अच्छा लगा कि बच्चों ने ही बताया कि आपके जो इंग्लिश के लेक्चरर हैं दिलीप वर्मा जी, वो आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं। तो बच्चों, ऐसा है कि बहुत कम ऐसे टीचर हैं जो अपना समय बच्चों को दे पाते हैं, और दूसरी बात यह है कि क्योंकि दिलीप सर जो है वो दूर से भी हैं, सोलन से आते हैं, और उसके बावजूद आपको वो एक्स्ट्रा क्लास और बहुत सारी अन्य एक्टिविटी में आपको जो है पार्टिसिपेशन करवाते हैं, ये बहुत आपके लिए सौभाग्य है। तो अभी हमारी तरफ से एक और लड़का है नवदीप, तो वो आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा है, और ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट सा प्रश्न है। हमारे भी ये चीजें, क्योंकि एक्सचेंज की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें देख रहे हैं कि हमारा खान पान कितना अंतर है। एक ही प्रदेश में हम रहते हैं, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि हम हमारा जो खान पान है उसमें कितना अंतर है। तो आप नवदीप। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, माय नेम इज नवदीप गुलेरिया, आई एम स्टैंडर्ड इन 11th स्टैंडर्ड। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि आपके प्रसिद्ध व्यंजन कौन कौन से हैं,
और अब विवाह समारोह में कौन कौन से व्यंजन परोसे जाते हैं? ठीक है, आप क्वेश्चन हाँ ये बच्चों समझ गए क्वेश्चन। जवाब देने के लिए अदिति आ रहे हैं, तो आपको जवाब देंगे बच्चों ये अदिति। गुड आफ्टरनून टू ऑल, माय नेम इज अदिति शर्मा और मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ शादियों आदि वगैरह त्योहारों में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जैसे पूड़े, जलेबी, खीर, हलवा इत्यादि पकवान यहाँ पे बनाए जाते हैं एवं ये यहाँ पर प्रचलित है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी। तो बहुत सारी जो हमारी आदतें हैं जिला सिरमौर की और जिला कांगड़ा की वो लगभग एक जैसी ही हैं। हमारे भी यहाँ पे इसी प्रकार के जो है वो पकवान बनाए जाते हैं जब भी त्योहार या कोई हमारा यहाँ कोई स्पेशल डे हो। तो बच्चों जैसे सर ने बताया कि हमारा जो जिला कांगड़ा है ये पंजाब के साथ लगता है, पहले जो पंजाब का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब जब हिमाचल जो आपके ही प्रदेश के डॉक्टर जसवंत सिंह परमार जिन्हें हम हिमाचल निर्माता कहते हैं, तो उनकी बदौलत हम भी हिमाचल में आ गए। और वो जो व्यक्ति थे उनका तो हम क्या गुणगान कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए उनके व्यक्तित्व को डिफाइन करने के लिए शब्द नहीं है, बस हम इतना कहेंगे कि उनके कारण ही हम यहाँ आज एक दूसरे से मिल रहे हैं, क्योंकि नहीं तो हम तो पंजाब का हिस्सा थे, हम तो गुरदासपुर जिला हुआ करता था तो उसके हम पार्ट थे, पर हमें गर्व है कि हम हिमाचल का हिस्सा हैं और हिमाचल की प्रगति में आप और हमारे बच्चे जो है दिन रात जो उसमें अपना योगदान दे रहे हैं, क्योंकि आप ही कल के निर्माता हैं, आपने ही इस प्रदेश की बागडोर संभाली है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए और फिर दोबारा से हमें मौका मिलेगा तो हम जरूर जो है एक और कोई सेशन करेंगे। तो जैसे मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, आपको सर ने बताया ही है और मैं भी आपके जो मैथमेटिक्स के टीचर हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे किसी दिन वो एक सेशन हमारे साथ लें और दिलीप सर भी साथ में हों, क्योंकि अब जो हमारा जो मॉडरेटर है वो आपके दिलीप सर हैं उनके द्वारा, तो फिर हम आपको एक मैथ की एक्टिविटी भी दोनों स्कूल के बच्चे जो है वो मिलकर करेंगे ताकि एक नई चीज जो है देखने को सुनने को आप मिले, क्योंकि हमारा मकसद क्या है सीखना लर्निंग, जैसे सर ने कहा कि जैसे एक टीचर है हम भी लर्नर हैं, हम भी सीख रहे हैं, हमने सब कुछ नहीं सीख लिया तो कुछ चीजें आपसे भी सीख सकते हैं हम, कुछ आप हमसे सीखेंगे, कुछ मैं दिलीप सर से सीखूंगा, कुछ आपके जो मैथमेटिक्स के लेक्चर है उनसे सीखूंगा, हमारे बच्चे भी सीखेंगे, तो इससे कोलैबोरेशन से हम जब नई चीज सीखेंगे तो नया कोई नई चीज सामने आएगी तो उससे हमारा ज्यादा उन्नति और भला होता है प्रदेश का। तो इसके अलावा अगर दिलीप सर कुछ कहना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। आप सर बच्चों को मैंने फिर ये बताना चाहूंगा कि सर जो है एजुकेशन के फील्ड में सर का एक यूनिक कंट्रीब्यूशन है, मैं मतलब जितना इनके बारे में बोलूं उतना कम पड़ जाएगा, क्योंकि एक एक प्रोमिनेंट फिगर है, पूरा हिमाचल जानता है कि सर की जो कंट्रीब्यूशन है इस नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल तक है। तो प्यारे बच्चों आज जो सर ने हमें अपना कीमती समय दिया है, मैं दिल की गहराइयों से मतलब इन सर का धन्यवाद करता हूं, और इसी तरीके से मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आगे भी जब इस तरीके से हमारे कोलैबोरेशन वाले प्रोग्राम जोड़ने के प्रोग्राम सर हमें अपना आप आशीर्वाद हमारे बच्चों को देंगे, और साथ साथ सर मैं बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा क्षेत्र है जैसे आपने डॉक्टर वाई एस परमार जी की बात की, पहले मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के, तो एक हमारे लिए स्पेशली मैं अपनी बात करूंगा कि मेरे लिए एक बड़े फख्र की बात है, क्योंकि ये वासनी से लगभग 20-22-25 किलोमीटर पे उनका पैतृक स्थान है,
तो एक हमें प्राउड फील होता है कि हम हिमाचल निर्माता के घर के पास, उनकी जो जन्मस्थली है उनके पास हम जॉब कर रहे हैं। तो उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे हम लोगों पे। तो मेरा यही परमात्मा से एक विनती है। और कांगड़ा जिले के बच्चे, उन बच्चों को भी मैं बताना चाहूंगा अंत में कि ऐसे सर मिले हैं कि आप लोगों को, जैसे कि जो परमात्मा की तरफ से दिया हुआ प्रसाद आपको इस वक्त मिला हुआ है, तो परमात्मा की दिया हुआ प्रसाद विजय सर के रूप में यहाँ आपके पास है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को बहुत बहुत बेस्ट विशेस, और हमारे बच्चों के लिए भी बहुत बहुत आप लोगों का भी शुभकामनाएं। तो थैंक यू विजय सर, और बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है सर कि ऐसे नहीं सिरमौर कहा जाता आप लोगों को, आपके जिला का नाम सिरमौर का मतलब है कि वहां सिरमौर, तो वो वहां से स्टार्ट होती है कुछ भी चीजें। तो आप एक क्या बोलते हैं कि मुकुट हैं, सिरमौर हैं, मुकुट हैं। तो वाई एस परमार की वजह से ही सिरमौर का नाम जो है वो चरितार्थ हुआ है। तो इसलिए हिमाचल जो है वो सिरमौर से स्टार्ट होता है, उसी से उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो सिरमौर की वजह से है, डॉक्टर वाई एस परमार की वजह से है, और आप बच्चों की वजह से है, क्योंकि आप भी उनका अंश हैं। और आपको बहुत ज्यादा गर्व होगा वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि किसी चीज की उपलब्धि जो है वो बहुत बड़ी होती है, और वो आगे बढ़ने के लिए इंसान को प्रेरित करती है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आपका और दिलीप सर का और बच्चों का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद, और आशा रखते हैं कि आगे हम दोबारा से मिलेंगे। तो सभी बच्चे जो है वो हाथ उठाकर वेव करेंगे। विजय सर आपके लिए, मेरे आपके लिए लाइन बोलना चाहता हूँ। आप जो हमारा टीचिंग प्रोफेशन है सर, उसके लिए कहना चाहूंगा, और आप जैसे टीचर है ना, कि सुंदर सुर सजाने को, क्योंकि ये हर टीचर की तरफ से एक उनकी आवाज है, और आप जैसे टीचर्स के लिए कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदे को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ बातें सभी की, तभी तो दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। समुद्र तो आगे बोलती है अगली लाइन में, ये अगले बोलते समुद्र तो परखता है हौसले कश्तियों के, मैं तो टूटी किश्ती को, या मैं टूटी किश्ती को भी जहाज बनाता हूँ, बनाए चाहे चांद पे बुर्जे खलीफा, लेकिन मैं कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ, कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ। तो आप जैसे टीचर हर विद्यार्थी को। चलिए आपका बहुत, आपको मैं पुनः बधाई देता हूँ, इस वर्ष आप स्टेट अवार्डी हैं, और शुभकामनाएं देता हूँ आगे आने वाले आपके भविष्य के लिए। आप तो वैसे भी उम्र से और एक्सपीरियंस से मुझसे बड़े हैं, और आपने ज्यादा दुनिया देखी है, फिर भी मैं अपनी तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूँ आने वाले समय के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बच्चों को बाय बाय। थैंक यू।